नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा, तवा पे बनाएंगे। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने ये चार ब्रेड लिए हैं और ये टमाटर लिया कटा हुआ, ये गाजर ली घिस के और ये प्याज एक बारीक काट के, ये शिमला मिर्ची एक पतली पतली काटी है और ये धनिया। सब्जी को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें तेल डाल दिया एक चम्मच। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे पकाएंगे। ये गाजर है, गाजर भी डाल देंगे इसमें। शिमला मिर्ची थोड़ी देर तक इसे फ्राई करेंगे। सब्जी जब तक पक रही है तब तक अपना ये सॉस तैयार कर लेते हैं। ये टमाटो सॉस डालेंगे दो चम्मच, और ये चटनी लेंगे सेजवान। आपका मन करे तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से। और ये हमने चीज़ लेके रखी है कद्दूकस करके। ये सब्जी हमारी पक चुकी है हल्की हल्की, अब निकाल लेंगे इसको। ये चाट मसाला डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसे। ये थोड़ी लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे इसमें। चलिए अब इस पे ब्रेड पे सॉस लगा लेंगे अच्छे से। अच्छे से फैला लेंगे सारे में। अब ये सारी सब्जी लगाएंगे इस पे। अच्छे से पूरे में लगा लेंगे। चीज़ डाल देंगे इस पे अच्छे से। ये थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई। हमारा गरम हो चुका हल्का मीडियम, इस पे बटर लगा लेंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तवा को ज़्यादा तेज ना करें, हल्का रखें। अब इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारी अच्छे से पिज़्ज़ा बनके तैयार हो रहा है, अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज़। ये देखिए हमारा बन चुका है पिज़्ज़ा, अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक के तैयार हो गया, पीछे से भी देखिए। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।